प्रस्तावना, भारत का संविधान। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि शब्द प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ क्या है। का शाब्दिक अर्थ है भूमिका या फिर परिचय, किसी किताब या किसी कानूनी किताब की संविधि, जिसको हम अंग्रेजी में स्टैट्यूट भी बोलते हैं। इसी प्रकार से भारत के संविधान का भी परिचय अगर कोई देता है तो वह उसका मुख्य पृष्ठ संविधान के अंदर उसका प्रियम्बल यानी कि उसका उसकी प्रस्तावना देती है। जो हम यहाँ अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वह भारत का संविधान, जो हमारी मुख्य कानूनी किताब है, उसके प्रथम पृष्ठ की तस्वीर है, उसके मूल प्रति की तस्वीर है। यह तस्वीर थोड़ी साफ नहीं है, इसलिए मैंने साथ ही साथ इस लिख भी दिया है। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना असल में एक पन्ने में सिमटा हुआ संविधान है या उसका परिचय है, जो हमें बताता है कि संविधान के अंदर असल में लिखा क्या है। यह वह आधार है जिस पर पूरा भारत का संविधान खड़ा है, या उस प्रस्तावना को हम यह भी कह सकते हैं कि संविधान की एक झांकी है। बहुत से राजनीतिक विद्वानों ने संविधान की इस प्रस्तावना को उसकी आत्मा का दर्जा दिया है, किसी ने उनको उसकी आइडेंटिटी कार्ड या उसका परिचय भी बोला है। परंतु सवाल उठता यह है कि आखिर में प्रस्तावना की आवश्यकता क्या है? बहुत से लोगों का मत यह है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना इसलिए डाली गई क्योंकि यह सबसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान के अंदर डाली गई है। एक नज़र से देखा जाए तो यह सही भी है, परंतु इसको सिर्फ इसलिए इस किताब के अंदर डालना ज़रूरी था ऐसा नहीं कह सकते। जैसा कि बहुत से विद्वानों ने कहा कि यह हमारे भारतीय संविधान के परिचय को बताती है, उसकी भूमिका को बताती है, इसलिए भी कह सकते हैं कि इस संविधान का प्रश्न प्रथम पृष्ठ जो है वह प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में लिखा गया है। आइए देखते हैं कि प्रस्तावना के तत्व क्या हैं, या अगर प्रस्तावना को हम आराम से समझना चाहें तो उसमें क्या क्या बातों को बताया गया है। सबसे पहले यह शुरुआत करता है बोलते हुए कि यह हम भारत के लोग, एक तरीके से देखा जाए तो यह स्रोत बताता है कि प्रस्तावना को या संविधान को उसकी असल ताकत कहाँ से मिलती है, उसका स्रोत क्या है। तो वह हम यानी कि भारत के लोगों को उन्होंने इसमें चिन्हित किया है। दूसरी चीज़ हमें पता लगती है उसकी प्रकृति, यानी कि भारत के संविधान की प्रकृति क्या है। भारतीय संविधान कहता है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अगर सिर्फ इन अक्षरों को देखें, इन शब्दों को देखें, तो यहाँ लिखा है भारत एक सार्वभौम शक्ति होगा, एक समाजवादी राष्ट्र होगा, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यानी कि 1 2 3 4 5, हम इसमें 5 खूबियां हम गिनवा रहे हैं, यानी कि 5 इसकी प्रकृति हैं जो भारतीय संविधान में दिखाई देती हैं। उसके आगे यह कहता है कि तथा उसके समस्त नागरिकों को, अगर ध्यान से देखा जाए इसमें शब्द नागरिकों का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि संविधान गैर नागरिकों को या वह लोग जो नागरिक नहीं हैं उनके बारे में यहाँ कुछ नहीं बोल रहा। इसके आगे वह कहता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना से हमें यह पता लगता है कि संविधान का उद्देश्य है लोगों को न्याय दिलाना, जिसमें कि 3 प्रकार के न्याय उन्होंने चिन्हित किए हैं, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनैतिक न्याय शामिल है। उसमें स्वतंत्रता बताई गई है कि हम लोगों को, हम यहाँ के नागरिकों को 5 तरीके की स्वतंत्रता देने का विश्वास दिलाते हैं, जैसे कि विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अर्थात कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी भी प्रकार के विचार रख सकता है, वह विश्वास रख सकता है, वह किसी धर्म को अपना सकता है, वह किसी भी इष्ट की उपासना कर सकता है, वह अपने अभिव्यक्ति को उजागर कर सकता है। उसके आगे वह समानता की भी बात करता है। वो कहते हैं कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी सरकार देगी तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को भी बढ़ाया जाएगा। यह सब बातों को लेते हुए वह संविधान की तिथि बताते हैं कि जब उसको अंगीकृत या अधिनियमित किया गया है। वो उन्होंने बताया है कि वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसको लिखा गया या इसको अपनाया गया।
अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर, यहाँ कोष्टक के अंदर इसकी हिंदी तारीख भी लिखी गई है, जो है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। और साथ ही साथ इसके इसका एक और तत्व है जो है उसकी स्वीकृति। इसकी स्वीकृति जो है उस पर लिखा गया है कि इस तारीख को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि उसको अडॉप्ट किया जाता है, उसको इनेक्ट किया जाता है और उसको अपने आप को ही सौंपा जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग इस तारीख को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बीच की बातों को मैंने हटा दिया है या मैंने नहीं बोला है, सिर्फ इसलिए कि ये समझते हुए कि यहाँ भारत के लोग अपने ही आप को यह चीज़ आत्मार्पित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने उसकी कुछ विशेषताएं भी बताई हैं। सवाल आगे यह उठता है कि क्या संविधान जो है या प्रस्तावना जो है, क्या यह संविधान का मुख्य हिस्सा है? और साथ ही साथ दूसरा सवाल भी लोगों ने कई बार उठाया कि क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जाता है। खैर, प्रथम सवाल का जवाब में मैं यही कहूंगा कि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसको खुल के बात करेंगे। अभी के लिए समझना ये काफ़ी रहेगा कि हाँ, संविधान में प्रस्तावना की एक अहम भूमिका है और उसे एक मुख्य हिस्सा ही माना गया है। दूसरे सवाल के लिए, जिसमें लिखा गया है कि क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना में भी फेरबदल किए जा सकते हैं? अगर हम ध्यान से देखें, जो हमने मूल प्रति प्रस्तावना की सबसे पहली बार देखी, उसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आगे नागरिकों के लिए। तो इसमें तीन शब्दों का उल्लेख है, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। परंतु जब हमने इसको बाद में पढ़ा तो हमें यहाँ दिखता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक, समाजवादी दो, धर्मनिरपेक्ष तीन, लोकतंत्रात्मक चार और गणराज्य पाँच। अर्थात दूसरे और तीसरे नंबर पर लिखे गए ये जो दो शब्द हैं, ये हमें मूल प्रति के अंदर नहीं दिखाई दिए। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें, अंत में यहाँ पर लिखा गया है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। परंतु हमने जब यह इसको बाद में पढ़ा तो हमने यहाँ देखा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, जो हमने यहाँ अंडरलाइन किया है, और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, इस शब्द को भी डाला गया है। तो हाँ, हम यह कह सकते हैं कि संविधान को संशोधित किया जा सकता है। असल में सन 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय की प्रधानमंत्री रहीं, उन्होंने 42वें संशोधन के तहत प्रस्तावना के अंदर कुछ संशोधन किए और यह तीन शब्दों को उसके अंदर डाल दिया गया। तो इस प्रमाण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हाँ, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। इसके आगे हम देखते हैं कि मोहम्मद हिदायतुल्ला जी, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, उन्होंने प्रस्तावना के लिए क्या कहा है। उन्होंने अपनी किताब डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द जुडिशियल प्रोसेस में भारत के प्रस्तावना के लिए कहा कि प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा की तरह है, जिसको हम अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा की तरह है, लेकिन एक घोषणा से कहीं अधिक है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जो हमारे राजनीतिक समाज के स्वरूप को बताती है। इसमें एक गंभीर संकल्प है जिसे मात्र एक क्रांति बदल सकती है। अगर ध्यान दें तो उन्होंने यह कहा कि हाँ, यह एक नकल के रूप में दिखती है, पर उस नकल से कहीं ज़्यादा है। इसमें उस राजनीतिक समाज की एक छवि दिखाई देती है जो भारत को बतलाती है। और साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि एक गंभीर संकल्प है जिसे मात्र एक क्रांति बदल सकती है, अर्थात इसको बदलना इतना आसान नहीं होगा। इस संविधान को या इस प्रस्तावना की जो छवि हमें जो पता लगती है, इसको बदलना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत बड़ी क्रांति की आवश्यकता है, जिसमें सभी लोगों को सम्मिलित होना ज़रूरी है। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला जी ने अपने शब्दों में कहा था। आगे देखते हैं, आखिर ये प्रस्तावना में जो शब्द हैं वे आए कहाँ से, या उसका मुख्य केंद्र क्या था, या उसकी गंगोत्री शुरू कहाँ से हुई। असल में सन 13 दिसंबर 1949 के अंदर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, जिसको संविधान सभा के अंदर पारित भी किया गया, जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन कुछ बातों में जो चीज़ें हमारे लिए यहाँ प्रस्तावना के लिए खास थी, हमने उनको यहाँ लिखा है, जिसमें वह कहते हैं कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र सार्वभौम गणराज्य और उसके भविष्य शासन के लिए एक संविधान बनाने के लिए अपनी दृढ़ और गंभीर संकल्प की घोषणा करती है। यानी कि उनका यह कहना था कि हम इस तरीके का संविधान बनाना चाहते हैं संविधान सभा के अंदर, जो उसको स्वतंत्र बनाए, वह एक सार्वभौम शक्ति के रूप में सामने आए और वह गणराज्य हो जो भविष्य के शासन को निर्धारित करे।
उसके आगे उन्होंने कहा कि हम यह भी संकल्प उठाएंगे जिसमें वह जिसमें स्वतंत्र भारत के सभी अधिकार और शक्तियाँ, सरकार के अंगों एवं उसके घटक हिस्सों के अधिकार व शक्तियाँ उसके लोगों से प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि ये इसमें जो भी ताकतें मिलने वाली हैं, जो सरकार को मिलेंगी, वह उसके लोगों से ही प्राप्त होनी चाहिए। वह ताकत उसकी जनता उसको दे, उसके नागरिक उसको दें। उसके बाद वह कहते हैं, जिसमें भारत के सभी लोगों को आश्वासित एवं सुरक्षित किया जाए कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता, विचारधारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना, व्यवसाय, समूह और क्रिया की स्वतंत्रता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन होंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत के नागरिकों को बहुत सी चीज़ जो हैं उसके अंदर उन्हें आश्वासित करेंगे, हम उनकी चीज़ सुरक्षित करेंगे, जिसमें उसमें न्याय मिलेगा उन्हें, उन्हें के कई प्रकार के समानताएं मिलेंगी, उनको बहुत सी स्वतंत्रताएं मिलेंगी, वह बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, वह उनको उनकी क्रिया में ला सकते हैं, वह उपासना कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, और साथ ही साथ वह सारी चीज़ें कानून और सार्वजनिक नैतिकता यानी कि मॉरेलिटी और जस्टिस सिस्टम के अधीन रहेंगे। उसके ऊपर भी कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस, उन पर कुछ रेगुलेशंस लगेंगे, परंतु हम फिर भी उसके साथ उन्हें आश्वासित करते हैं कि यह सब उन्हें मिलेगा। उसके आगे वह कहते हैं कि जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों और दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएंगे, यानी कि हम जो खास हमारे दल हैं, हमारे कुछ खास जो लोग हैं जो अल्पसंख्यक समाज से हैं, ऐसे समुदाय से आते हैं, उनको हम कुछ खास चीज़ें देंगे जिससे कि वो मेन स्ट्रीम में आ सके, जो साथ में मुख्य लोगों के साथ, जो बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, इस चीज़ को भी वह आश्वासित करते हैं। तो अगर हम देखें कि संविधान के इस प्रस्तावना के अंदर हमारे को वो सभी चीज़ें मिलती हैं जो उन्होंने उस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर लिखी थी, वो हमें काफ़ी हद तक आगे दिखाई देती हैं। आशा है कि आपको इस प्रस्तावना शब्द को समझने में आसानी रही होगी। आने वाली अग्रिम वीडियोस के अंदर हम इस प्रस्तावना में दिए गए शब्द जैसे लोकतंत्र, गणराज्य, सार्वभौम शक्ति या इस तरीके की बहुत सी बातों को विस्तार के अंदर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।